अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैनपुरी में जो घटना सामने आई थी नवोदय विद्यालय की, यहां पर जब कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले में हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, समयबद्ध ढंग से विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जो शिथिलता बरती गई, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी ने स्वयं इन चीजों की समीक्षा नहीं की, हमने जिलाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की और एक SIT गठित करके अपराधियों के DNA जांच और इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कोई भी अपराधी बचने न पाए। और ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है और सरकार इस बात के लिए पूरी तरह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने किसी अपराधी को दिल्ली की नैना सानी कांड जैसे बचाने का प्रयास नहीं किया है, जिसमें कांग्रेस की एक नेत्री को कांग्रेस के एक नेता ने काट काट करके तंदूर के अंदर भूनने का कार्य कर दिया था। यह कार्य ये लोग अपने आंचल में झांक करके देखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, केंद्र और प्रदेश की वर्तमान सरकारों के समय, कहीं भी मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं नहीं घटित हुई। पूरे प्रदेश में 2.5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ, चाहे वह प्रदेश के अंदर, यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रयागराज कुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया, 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ, लोकसभा निर्वाचन कुशलतापूर्वक संपन्न हुए, और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला आने के बाद आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर शांति का जो एक संदेश दिया, पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है।